Good afternoon, all of you. In the previous class, we have completed properties of matrix addition and multiplication of matrix by a scalar quantity and negative of matrix. Now we are going on properties of multiplication of matrix by scalar. Properties of multiplication of matrix matrix by scalar quantity, by a scalar. किसकी property study कर रहे हैं? किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसकी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? फर्स्ट, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर order C m into n A matrix element aij order m into n, B matrix element bij order m into n, and K and L are any scalar. ठीक है, two matrix consider किए हैं, A and B, जिनका order क्या है? Same. A matrix है जिसमें element है aij element और order है m into n, B matrix है जिसमें element है bij और order है m into n. एंड के एंड एल आर एनी स्केलर, के और एल क्या है? कोई स्केलर क्वांटिटी कंसिडर की है. तो जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है तो के इंटू ए प्लस बी, के इंटू ए प्लस बी, इट मीन्स एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी स्केलर क्वांटिटी से. के इंटू ए प्लस बी, इट मीन्स फर्स्टली क्या कर रहे हैं? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी, वहां से जो रिजल्ट मिल रहा है मैट्रिक्स मिलेगी, उसको क्या करना है? स्केलर क्वांटिटी के से मल्टीप्लाई करना है. इट मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर. तो जो रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको? के ए प्लस के बी, के ए प्लस के बी, के ए प्लस के बी. तो LHS साइड कंसीडर कर रहे हैं, टेक LHS साइड के ए प्लस बी. तो के आपके पास क्या? स्केलर क्वांटिटी. ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स क्या करना है? ऐड करना है. ए में आपके पास एलिमेंट है aij एलिमेंट ऑर्डर m इंटू एन, प्लस बी मैट्रिक्स एलिमेंट bij ऑर्डर m इंटू एन. दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम, तो एडिशन जब आप करोगे तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे. तो इट मींस इसमें जो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट क्या है? ए आई जे एलिमेंट है, और बी मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या है? बी आई जे एलिमेंट. तो जो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे. कि जब आप ऐड करोगे तो मैट्रिक्स ही मिलेगी. जब ए मैट्रिक्स को जब आप बी मैट्रिक्स में जब ऐड करोगे तो सेम ऑर्डर की क्या मिलेगी? मैट्रिक्स मिलेगी. तो कैसे एडिशन करोगे? कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे. इट मींस ए आई जे प्लस बी आई जे एलिमेंट मिलेगा, और ऑर्डर क्या होगा? सेम, m इंटू एन. अब इस मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है.
क्या करना है, स्केलर से मल्टीप्लाई। जब स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच एलिमेंट को क्या करेंगे, ईच एलिमेंट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ईच एलिमेंट को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मींस कि ए आई जे प्लस बी आई जे ऑर्डर एम इन टू एन। ये जो आप लोगों को मैट्रिक्स मिली आफ्टर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी, इसमें एलिमेंट क्या है, ए आई जे प्लस बी आई जे एलिमेंट है। तो इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है किस स्केलर क्वांटिटी से, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, ईच एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो अपने वहां वैल्यू क्या मिलेगी, के ए आई जे प्लस के बी आई जे, इसका ऑर्डर एम इन टू एन, उसका भी ऑर्डर एम इन टू एन। इसको क्या कर लिया, ब्रेकडाउन कर लिया, कर सकते हैं के ए आई जे एम इन टू एन प्लस के बी आई जे एम इन टू एन। जब इनको आप ऐड करो तो रिजल्ट वापस क्या मिलेगा, ये तो रिजल्ट मिलेगा। तो इसको मैंने क्या कर दिया, ब्रेकडाउन कर दिया, क्योंकि आपके पास रिजल्ट क्या है, के इंटू ए आई जे प्लस बी आई जे, आपके पास मैट्रिक्स ही तो है के इंटू ए आई जे प्लस बी आई जे। तो मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, के ए आई जे प्लस के बी आई जे। तो यहां से जब आप इन दोनों को ऐड करो तो वापस क्या मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा। तो इस ये जो रिजल्ट है इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो के ए आई जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, के ए आई जे मतलब के ए को, के ए आई जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको भी आप k इंटू ए आई जे लिख सकते हो, k इंटू ए आई जे मतलब k इंटू ए आई जे क्या है, मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट है ए आई जे उसको स्केलर क्वांटिटी k से मल्टीप्लाई किया है। इसका मतलब है क्या है, ए आई जे इंटू k, एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है ए आई जे उसको k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, तो लिख सकते हैं इसको के इंटू बी आई जे, इसको भी चेंज कर सकते हो के इंटू बी आई जे, ऑर्डर तो क्या है सेम ही है, ऑर्डर क्या है सेम। तो ए आई जे ऑर्डर भी साथ में लिख लो, एम इंटू एन और एम इंटू एन। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए आई जे एम इंटू एन ए मैट्रिक्स को, और बी आई जे और ऑर्डर एम इंटू एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी मैट्रिक्स को। इट मीन्स के ए प्लस के बी, के ए प्लस के बी, के ए प्लस के बी मतलब आर जस्ट साइड। ये अपने को क्या करना था, प्रूव। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, तो के इंटू ए प्लस बी, के इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, के ए प्लस के बी मतलब फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसको पहले के से मल्टीप्लाई कर दो स्केलर क्वांटिटी से, प्लस जो सेकंड मैट्रिक्स है उसको भी क्या कर दो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई। तो के ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, के ए प्लस के बी, क्लियर है। सेकंड है इसमें k प्लस एल इंटू ए, के प्लस एल इंटू ए इज इक्वल टू के ए प्लस एल ए। मान लो आपके पास दो स्केलर क्वांटिटी k और l, टू स्केलर क्वांटिटी कंसिडर की थी, तो इट मीन्स k प्लस ए इंटू ए मैट्रिक्स, k प्लस एल इंटू ए मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा, के इंटू ए, फर्स्ट तो स्केलर क्वांटिटी उसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया के ए, प्लस तो सेकंड जो स्केलर क्वांटिटी थी एल उसको मल्टीप्लाई किया ए से। तो के प्लस एल इंटू ए किसके इक्वल होगा, के ए प्लस एल ए के। एल एच साइड कंसिडर कर रहे हैं, के प्लस एल ए मैट्रिक्स, ए आई जे एलिमेंट,
m into m into n. aij एलिमेंट आपके पास क्या एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स मतलब आप क्या कर रहे हो स्केलर क्वांटिटी k प्लस l क्या है, k आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, l भी क्या स्केलर क्वांटिटी, तो k प्लस l भी क्या होगा स्केलर क्वांटिटी होगा. तो इट मींस इस मैट्रिक्स को स्केलर क्वांटिटी से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है. तो करो मल्टीप्लाई, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, ईच एलिमेंट को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर से. तो m इंटू n ऑर्डर तो क्या रहेगा सेम ही रहेगा, तो मल्टीप्लाई करूं k प्लस एल ए आई जे, के प्लस एल ए आई जे ये मैट्रिक्स मिलेगी, इसमें एलिमेंट क्या जाएगा k प्लस एल ए आई जे. तो k ए आई जे प्लस एल ए आई जे एम इंटू एन ये मिलेगा. अंदर क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई कर दिया. अब इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं किस फॉर्म में, k ए आई जे ऑर्डर एम इंटू एन प्लस एल ए आई जे एम इंटू एन. दो मैट्रिक्स आ गए, इसमें एलिमेंट क्या है के ए आई जे और इस वाले मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या है एल ए आई जे, ऑर्डर दोनों का क्या है सेम. जब आप ऐड करोगे तो वापस क्या मिलेगा सेम रिजल्ट मिलेगा. तो इस रिजल्ट को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. अब ये जो रिजल्ट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको भी आप चेंज कर सकते हो. ये जो ए मैट्रिक्स है उसको स्केलर क्वांटिटी के से मल्टीप्लाई किया है, इसको भी आप क्या कर सकते हो चेंज. तो के इंटू ए आई जे एम इंटू एन प्लस एल इंटू ए आई जे एम इंटू एन, ए आई जे एम इंटू एन ए मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे थे, कौन सी मैट्रिक्स थी ए मैट्रिक्स. तो के ए प्लस एल ए की इंटू ए मैट्रिक्स प्लस एल ए मैट्रिक्स, तो ये रिजल्ट अपने क्या मिल रहा है आर्ज साइड में. तो इट मींस के प्लस एल इंटू ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू के ए प्लस एल ए. तो ये अपने पास ये प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई इसकी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स. थैंक यू.